everybody, welcome to the another class. So this is the class 31st of your level A basic spoken English course 2023. आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं. We are going to learn about passives, right? Passive का हुआ खत्म कर देते हैं आज बबुआ. चलिए passive का आज day one है, ठीक है. तो आज हम लोग सिर्फ एक expression सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा. देखो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो. हम लोग इस टाइप की बातें करते हैं, राइट, कि ये काम करते हैं. ये इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये काम किया जाता है. अगर हमें अपने आप को इंपॉर्टेंस ना देनी हो, सब्जेक्ट को डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा काम किया जाता है, राइट. तो आप ध्यान से समझिएगा हमारा एक्सप्रेशन क्या है. आज का हमारा एक्सप्रेशन है कि भाई ऐसा काम किया जाता है, किया जाता जाता है, ऐसा काम किया जाता है. तो दिस काम, वर्क मतलब दिस काम इज डन, राइट. दिस काम इज डन, सिंपल, बस खत्म हो गया टेंस. इतना ही सीखना था. खाना खाया जाता है, फूड इज ईटन, फूड इज ईटन. गाना गाया जाता है तो सॉन्ग इज संग, राइट. पैसा खर्च किया जाता है तो मनी इज स्पेंट. वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, द वीडियो इज रिकॉर्डेड, राइट. हमारा एक्सप्रेशन सिंपल है क्या, ऐसा काम किया जाता है, दिस वर्क इज डन, सिंपल, खत्म. बोलो आज चोर को पकड़ा जाता है, चोर को पकड़ा जाता है, रोज पकड़ा जाता है, द थीफ इज कॉट. अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको डूअर बोलना है या नहीं. अगर आपको बोलना है तो डूअर को इंपॉर्टेंस देंगे नहीं. बाय दिस पर्सन, जैसे खाना खाया जाता है, द फूड इज ईटन. अगर मेरे द्वारा खाया जाता है तो बाय मी, तुम्हारे द्वारा खाया जाता है तो बाय यू, उसके द्वारा खाया जाता है तो बाय हिम, उस लड़की के द्वारा खाया जाता है तो बाय हर, उन लोगों के द्वारा खाया जाता है तो बाय देम. ये ऑप्शनल है, समझ में आ गया. रूम को डेकोरेट किया जाता है, द रूम इज डेकोरेटेड. किसके द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा, द रूम इज डेकोरेटेड बाय मी. अच्छा तुम्हारे द्वारा, द रूम इज डेकोरेटेड बाय यू. अच्छा उसके द्वारा, द रूम इज डेकोरेटेड बाय हिम. सिंपल हो गया क्लास, हाँ समझ में आया. इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट. मेरे द्वारा सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी. अच्छा उसके द्वारा सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम. अच्छा वो लड़की थी, ओहो, द इंग्लिश इज टॉट बाय हर. सिंपल, आ गया समझ में. एक सेंटेंस कमेंट में कर दो कमेंट, राइट. तो एक्सप्रेशन नंबर वन हम लोग सीख गए. अब एक्सप्रेशन नंबर टू, कि भाई ऐसा काम नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, ऐसा काम नहीं किया जाता है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, दिस काम, दिस वर्क इज नॉट डन. ऐसा काम नहीं किया जाता है, गाना नहीं गाया जाता है, द सॉन्ग इज नॉट संग. खाना पकाया नहीं जाता है, द फूड इज नॉट कुक्ड. वीडियो नहीं बनाई जाती है, तो द वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड या मेड. कपड़े नहीं धोए जाते हैं, द क्लोथ आर नॉट वॉश्ड, राइट. तो अगर ये तो आप अपने हिसाब से बोलेंगे ना, सिंगुलर प्लूरल का हिसाब आप रखेंगे, राइट. ये तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है. यहां भी ऐसे ही है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ठीक है, आर भी हो सकता है, प्लूरल पे डिपेंड है, राइट. ये तो आपको दिमाग में रहेगा, जैसे है ना, जैसे कार चलाई जाती है तो कार इज ड्राइवन,
बहुत सारी कारें चलाई जाती हैं, तो द कार्स आर ड्राइवन, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमें बोलना है कार नहीं चलाई जाती है, तो द कार इज नॉट ड्राइवन, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जाती है यार, द वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, अगर मेरे द्वारा बात चले कि मेरे द्वारा, तो यहां पर बाय पर्सन का नाम लिखा जाएगा। जैसे पानी नहीं पिया जाता है, द वॉटर इज नॉट ड्रंक मेरे द्वारा, द वॉटर इज नॉट ड्रंक बाय मी, तुम्हारे द्वारा, द वॉटर इज नॉट ड्रंक बाय यू, उसके द्वारा, द वॉटर इज नॉट ड्रंक बाय हिम, उस लड़की के द्वारा, द वॉटर इज नॉट ड्रंक बाय हर। सिंपल, हा सिंपल, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, सॉरी इंग्लिश नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, इंग्लिश मेरे द्वारा नहीं बोली जाती, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी। अच्छा, तुम्हारे द्वारा नहीं बोली जाती, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय यू। सिंपल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पूछना कि क्या ऐसा काम, ऐसा काम किया जाता है, किया जाता है, क्या ऐसा काम किया जाता है, तो हम पूछेंगे इज या आर या एम। इज एम आर के बाद क्या पूछेंगे, दिस वर्क डन, क्या गाना गाया जाता है, इज द सॉन्ग संग, क्वेश्चन मार्क, क्या खाना खाया जाता है, इज द फूड ईटन, क्या क्या चित्र बनाया जाता है, इज द पिक्चर स्केच्ड, क्या कुर्सी को तोड़ा जाता है, इज द चेयर ब्रोकन। समझ में आ गया, क्या कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, इज द कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर किसी का नाम है तो लास्ट में आएगा, किसी के द्वारा किया जाता है, राइट। जैसे बोर्ड पर लिखा जाता है, या कुछ बोर्ड पर लिखा जाता है, समथिंग, नहीं सॉरी, क्या कुछ बोर्ड पर लिखा जाता है, इज समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड, राइट। क्या बोर्ड पर मेरे द्वारा लिखा जाता है, इज समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड बाय मी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, डाउट क्लियर है, कोई बात तो नहीं है। जैसे पेन को बेचा जाता है, राइट, तो पेन इज सोल्ड, अरे पेन को नहीं बेचा जाता, पेन इज नॉट सोल्ड, क्या पेन को बेचा जाता है, इज द पेन सोल्ड, तो हो गया सिंपल बिल्कुल, राइट। और प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोबाइल खरीदा जाता है, द मोबाइल इज बॉट, मोबाइल नहीं खरीदा जाता, द मोबाइल इज नॉट बॉट, क्या मोबाइल को खरीदा जाता है, इज द मोबाइल बॉट। अब हम अपना नाम भी ले सकते हैं, क्या मोबाइल तुम्हारे द्वारा खरीदा जाता है, इज द मोबाइल बॉट बाय यू, क्या मोबाइल को मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाता, सॉरी मोबाइल को मेरे द्वारा खरीदा जाता है, मोबाइल इज बॉट बाय मी, मोबाइल को मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाता, मोबाइल इज नॉट बॉट बाय मी, क्या मोबाइल को मेरे द्वारा खरीदा जाता है, इज द मोबाइल बॉट बाय मी, राइट। तो सीखना बहुत आसान है, बट बेटा इसको प्रैक्टिस में लेना बहुत जरूरी है। तो आज के होमवर्क में आपको 30 सेंटेंस ये बोलने हैं, 30 सेंटेंस ये बोलने हैं, और 30 सेंटेंसेस ये बोलने हैं। आज टोटल हो गए आपके 90 सेंटेंसेस, और ट्राई करो कि यू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस, राइट, कुछ भी, धीरे 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 धीरे। इससे क्या होता है कि आपके जो एक्शंस होते हैं ना, वो आपके माइंड में आ जाते हैं, देन इट वर्क्स, फिर वो शुरू काम करना शुरू कर देता है माइंड, ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ भी बोलना है, जैसे जैसे कार को धोया जाता है, द कार इज वॉश्ड, कार को धोया नहीं जाता है, द कार इज नॉट वॉश्ड। और क्वेश्चन पूछना हो कि कार को धोया जाता है, इज द कार वॉश्ड, सिंपल है। और इज एम आर तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता तो कॉमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप लोग कॉमेंट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई हमारे बच्चों को ये चीज भी समझनी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने क्या सीखा बेटा, आज हमने पैसिव बोलने सीखे हैं, डायरेक्ट, हमने कोई एक्टिव का यूज
नहीं किया है. व्हाट वी हैव यूज, वी हैव ओनली यूज सम एक्सप्रेशंस कि ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है, और एक क्वेश्चन क्या ऐसा किया जाता है. दिस इज डन. हमें सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है, लास्ट में एक बार फाइव फाइव सेंटेंस ऐसे बोलना, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दीज आर डन, दीज आर डन, दीज आर डन. फिर नॉट वाले बोलो, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दीज आर नॉट डन, दीज आर नॉट डन, दीज आर नॉट, इज दिस डन, इज दिस डन, इज दिस डन, आर दीज डन, आर दीज डन, आर दीज डन. ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बेटर हो जाएगी, गारंटी है मेरी. ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कॉमेंट में बताना. बाकी आपको कॉमेंट में आज ये 1, 2, 3 सेंटेंस जरूर लिख के जाना, अलग अलग टाइप के, ताकि लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय.